हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? बहुते अच्छा। तो बात कर रहे थे उस दिन लीगल एनवायरनमेंट के बारे में, याद है कि नहीं रे बबुआ? हाँ, तो ये इम्पीरियल ब्लू वाला एड आपके साथ में हम डिस्कस कर रहे थे, और एगो वर्ड आपको सिखाए थे नया। क्या वर्ड सिखाए थे बताइए तो? सरोगेट एडवर्टाइजिंग, समझे? सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हो जाता है? जब एडवर्टाइज करना होता है कुछ और आप करते हैं किसी और चीज का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन लोगों को अपने आप पता चल जाता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो बस वैसे ही है। तो इसमें ये लीगल एनवायरनमेंट में और बहुत सारे पहलू होते हैं, कंज्यूमर स्पेसिफिक, टैक्सेशन स्पेसिफिक, एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक, कि भाई आप किस तरह का एड बना सकते हैं, क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ अलाउड नहीं है, ये सारे भी लीगल फैक्टर्स होते हैं। किस तरह की बातें आप एड में बोल सकते हैं, कैसी बातें आप एड में बोलना आपके लिए अलाउड नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि आज अगर आप मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो आपको उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई माइनिंग कंपनी है, तो वो अगर अपने माइनर्स को नीचे भेजते हैं, तो उसके लिए दे हैव टू मेक श्योर कि दे हैव प्रॉपर गियर, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर उनको मुहैया करवाया जा रहा है। डेप्थ अगर बहुत ज़्यादा है, तो फिर उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। इस तरह के लॉज होते हैं लेबर लॉज में। तो आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे बच्चों, जब आप आएंगे अगली स्टेज में, सीएस एग्जीक्यूटिव में आएंगे, तो आपको लेबर लॉज पढ़ाया जाएगा। वहां पे आप पढ़ेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आप लोग बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह के ये एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, कितने दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, सिवियरेंस पे क्या होना चाहिए, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होनी चाहिए, वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कैसे आप लोगों को रिटायर करवा सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, ये अपने आप में आपके लिए एक अलग से चैप्टर भी है बच्चों। आपके इसी किताब का ईबीई का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या अदर इंस्टीट्यूशंस के नाम से दिया गया, जिसमें हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वगैरह वगैरह। इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो रेगुलेट कर रही हैं अपनी अपनी स्पेसिफिक टेरिटरी को। उनके बारे में भी लीगल फैक्टर्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उनके क्या प्रोविजन आए हैं, उन्होंने कोई नया नियम निकाला है कि नहीं। ठीक है जी। उसके बाद में बात आ जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो भैया ऑब्वियस सी बात है, ये पिक्चर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पिक्चर आपको याद होगी, कूल शिवाजी द बॉस, है कि नहीं? हर वो व्यक्ति जो साउथ इंडियन फिल्मों को पसंद नहीं करता, इस पिक्चर को देखने के बाद में इवेंचुअली उसकी राय बदल ही जाती है और वो दीवाना बन ही जाता है। मैक्स दीवाना बना दे तो सेट मैक्स पे आती रहती है, देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है। अब शिवाजी द बॉस मूवी में क्या दिखाया गया है कि शिवाजी जो है वो अमेरिका से आया है, इज एन इंजीनियर, और इस बात को कम से कम हमें 20 बार बताया जाता है कि वो इंजीनियर है और अमेरिका से आया है। उसने बहुत पैसा कमाया और अब उस पैसे को यूज़ करना चाहता है अपने देश में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स खोल के। लेकिन इवेंचुअली हमें पता चलता है कि एक एक छोटी छोटी परमिशन लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, अप्रूवल करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का परमिट लेने के लिए उसे कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, कितने पॉलिटिशियंस के दफ्तरों में जाके वो परेशान होता है, किस तरह की उसे थ्रेट्स मिलती हैं, एंड इवेंचुअली किस प्रकार वो विजयी होता है, एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसी स्टोरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो देखिए, फिल्में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, टीवी देखना इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें एग्जाम्पल के माध्यम से बड़ी आसानी से आपको समझाई जा सकती हैं, तो देखा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो ये शिवाजी द बॉस का लास्ट सीन है। जिन्होंने मूवी देखी होगी उनको पता होगा, लास्ट सीन में क्रेडिट रोल जब हो रहा होता है, तो उसमें कैसे दिखाते हैं कि आगे की सड़क कच्ची सड़क है और गांव जैसा इलाका है, और जहाँ जहाँ शिवाजी के पैर पड़ते चले जा रहे हैं वहाँ पे पक्की सड़कें बनती जा रही है, बिल्डिंगें आती जा रही है, कॉम्प्लेक्सेस आते जा रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिज आते जा रहे हैं,
और कैसे देश तरक्की करता जा रहा है। इसी तरह का कुछ सीन अगर आपको याद हो तो नायक मूवी का जो लास्ट सीन होता है उसमें भी दिखाया जाता है कि भाई कैसे अनिल कपूर ने काया पलट कर दी है पूरे राज्य की। ठीक है जी, तो अब यहां पे हम ये बात क्यों कर रहे हैं। इंडिया रैंक 77 फ्रॉम रैंक 100 वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, यानी कि पहले रैंक थी शायद 100 और वो इम्प्रूव होके बन गई है 77, यानी कि एक ही साल में 23 रैंक का इम्प्रूवमेंट आया है। 23 रैंक्स हम लोग ऊपर आ गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शिवाजी मूवी को देखने के बाद में सुधारा और हमने कहा नहीं यार ये बात तो गलत है। और 2 सालों का अगर अपने देखेंगे तो हम 53 प्लेसेस का जंप हमने लिया है, 53 प्लेसेस का जंप हमने लिया है। ये बात तो आपको भी याद होगी बच्चों, 11th 12th के सिलेबस में आप लोग रटा करते थे कि 130 था, 130 था, 130 था, याद है कि नहीं रैंकिंग हमारी। तो उसी के साथ अगर कंपेयर करूं तो अब सिर्फ 77 है, यानी कि 2 साल के अंदर में 53 रैंक्स का इंप्रूवमेंट है। आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए ये ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग क्या है या पिछले 1 साल 2 साल में इंडिया ने किस तरह का इम्प्रूवमेंट वहां पे दिखाया है। ये आपके लिए एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है। 4 सालों के अंदर देखा जाए तो 65 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट है, 4 साल के अंदर देखा जाए तो लगभग 65 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट है, ऐसा आपको बताया गया है बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में। ठीक है जी, कौन बनाता है ये, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जिसमें हमने कुछ कुछ इस तरह का इंप्रूवमेंट अचीव करा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। मान जा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टैट्स, डिस्टेंस टू फ्रंटियर इंप्रूवमेंट्स टू 67.23 फ्रॉम 60.76। तो अब सवाल यह है कि सर ये डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस टू फ्रंटियर का मतलब क्या हुआ। तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर को आप कुछ इस तरीके का समझिए, डिस्टेंस टू फ्रंटियर को आप कुछ इस तरह का समझिए कि जो बेस्ट पॉसिबल कंट्री है या बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन में कितना इम्प्रूवमेंट, मतलब उसके कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस कितना है, आपका डिस्टेंस कितना है, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस टू फ्रंटियर का रेटिंग दिया जाता है कि भाई जो आइडियल सिनेरियो से आप कितने ज़्यादा दूर हैं। तो वो डिस्टेंस जो है वो 67.23 फ्रॉम 60.76। तो अब इसमें किस किस फैक्टर को स्टडी करा जाता है, किस पैरामीटर को स्टडी करा जाता है, एक सेकेंड। हाँ अरे ये क्या हो गया, तो देख रहे हैं आप लोग, एक सेकेंड देखिए जरा स्क्रीन पे, दो स्क्रीन दिखाई दे रही हैं, ये जो जो जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है। तो DTF डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो है एज कंपेयर टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, आप चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं DTF के लिए। ये क्या हो गया बेटा, जिद्दी नहीं करते। तुम ना चलोगी, DTF जो है एज कंपेयर टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, गैप्स एज कंपेयर टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो पहले
के मुकाबले हम उसमें बेहतर स्कोर लेके आए हैं, पहले के मुकाबले हमारा उसमें स्कोर बेहतर हुआ है। ठीक है जी, तो ये अपन ने लिख लिया। अब अपने इसमें स्टडी करना है कि किस किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए कुछ फैक्टर्स जो यहां पे हैं, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, मतलब कोई बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाने का, प्लांट बनाने का इंडिया में परमिशन मिलना अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो थी इसमें 181 की थी। हमारी रैंकिंग जो थी इसमें वो 181 की थी, यानी कि दुनिया में 180 देश ऐसे हैं जहां पे शायद कंस्ट्रक्शन परमिट हासिल करना आसान है हमारे मुकाबले। और ये स्कोर है बेटा 2017 का, जो कि 2018 में जब कंपेयर किया गया तो ये 52 रैंकिंग हो गई। ये एक मैसिव इंप्रूवमेंट है, ये एक मैसिव इंप्रूवमेंट है। देर इज अ चेंज ऑफ 129, यानी कि देर इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ 129 प्लेसेस। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उतनी ग्लैमरस नहीं हैं, बैक ऑफिस में ये सारी चीजें हो रही है गवर्नमेंट की, जो शायद हमें दिखाई नहीं देती है, बट इवेंचुअली दिस विल मेक श्योर कि आपके यहाँ पे FDI आए, दिस विल मेक श्योर कि आपके यहाँ पे नए बिजनेसेस सेटअप हों, नया कारोबार सेटअप हो, और जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देंगी और डॉलर का इनफ्लो भी दिखाई देगा। तो बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि है, ये जो इम्प्रूवमेंट है ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में क्या है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में हमारी रैंकिंग 146 थी जो कि 80 हो गई, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के शायद जो रेगुलेशंस थे वो सिंप्लीफाई हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो गाइडलाइंस हमने बना रखी थी उसको काफी स्मूथ किया गया है। इस वजह से यहाँ पे भी 66 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्टार्टिंग अ बिजनेस में रैंकिंग 156 थी जो अभी भी 137 है, विच इज नॉट अ वेरी वेरी गुड रैंक, बट स्टिल देर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ अबाउट 19 प्लेसेस। ठीक है, ये स्टार्टिंग अ बिजनेस में सब कुछ आ जाएगा कि आप इनकॉर्पोरेशन का क्या पैरामीटर है आपके लिए और क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर नाम अवेल करना, लिस्टिंग वगैरह करवाना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। गेटिंग क्रेडिट में 29th का रैंकिंग था जो 22 हो गया है। ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी रैंक ऑलरेडी बहुत कम है वहाँ पे एक एक दो दो रैंक का इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है और मायने रखता है। तो 29 से 22 आए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 29 की रैंक थी जो 24 हो गई है। तो आप देखिए बेसिकली आज तक जब भी हम पढ़ते आए हैं तो किताबों में हमें ये कहा जाता था कि भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये एक बहुत ही पुरानी किताबें हैं जिनमें बहुत ही बकवास बातें लिखी हुई है, क्योंकि आज आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। देर आर हार्डली 23 कंट्रीज विच आर बेटर व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन इन द ग्लोबल मार्केट। क्रेडिट वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22nd प्लेस पे हम लोग आते हैं। फाइनेंसेस लोन वगैरह अवेल करना उतना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट इज, ये चीज़ बहुत खराब थी, कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिलते थे। यानी कि ये कंस्ट्रक्शन परमिट क्यों नहीं मिलते थे, आपने अगर शिवाजी द बॉस मूवी देखी है तो आपको उसमें पता चला होगा कि शिवाजी को कॉलेज खोलने क्यों नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज दे वे करप्ट पॉलिटिशियंस, और वो करप्ट पॉलिटिशियंस का खुद का जो फायदा था, स्वार्थ था, वो हिट हो रहा था। उस हिट को सुधारने के लिए इस तरह के प्रोविजंस की ज़रूरत थी, और उनमें अगर करप्शन के लेवल में अगर फॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन परमिट्स आसान हो जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग अ बिजनेस आसान बन जाएगा। अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। कोर्ट्स जो है वो इतना लंबा समय ले लेती हैं कि यहाँ पे हम कोर्ट कचहरी में फैसला करवाने से ही डरते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर के बाहर सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब है 8 साल 10 साल की इंतज़ार के बाद भी आपको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में बहुत ही
क्वेश्चनेबल है। देखिए कैसे, एक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, बट रिसेंटली कुछ समय पहले एक पुलिस ऑफिसर की अरेस्ट किया गया था। दिस इज़ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से वो कुछ दो टेररिस्ट को अपने साथ हरियाणा दिल्ली लेके आना चाह रहे थे। अब उस ऑफिसर को अरेस्ट करा गया। उस ऑफिसर को अरेस्ट करने के बाद में अलग कमिटीज़ बनाई गई, उनके ऊपर में अलग से प्रोब चलाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह सारा सब काम चल रहा है। बट कल की बात है ये कि उनको बेल ग्रांट हो गई दिल्ली में। अब ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि इतना संगीन जुर्म उनके ऊपर, इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस। उनका नाम आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। उनको बेल कल ग्रांट हुई, जे से उनका नाम स्टार्ट होता है, और कल ही उनको दिल्ली में बेल ग्रांट हो गई। और ये बेल जो ग्रांट हुई ये भी अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है दिल्ली पुलिस के लिए। रीज़न क्या है देखिए ये बेल के ग्रांट होने का, एक मुद्दत होती है, एक अवधि होती है। जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको फाइल करना होता है उसके साथ साथ, क्या कहते हैं उसको, आरोप पत्र कहते हैं यार हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको, चार्ज शीट, राइट, चार्ज शीट फाइल करनी होती है, चार्ज शीट फाइल करनी होती है। अब ही वॉज ग्रांटेड बेल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट। दिल्ली ग्रांटेड बेल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट, उनको बेल ग्रांट हो गई। अब समझिए मजे की बात, देखिए 90 दिन का समय होता है आपके पास में किसी को अरेस्ट करने के बाद में, आप उसके ऊपर चार्ज शीट फाइल कीजिए और वो डिटेल चार्ज शीट को कोर्ट में पेश करा जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मुकदमा वगैरह चलाया जाएगा। बट 90 डेज के बावजूद इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप, इतना बड़ा उनके ऊपर इतना संगीन जुर्म का आरोप की, और इनफैक्ट उनका नाम जब संसद भवन पे अटैक हुआ था, और इफ आई एम करेक्ट अफजल गुरु नाम के बंदे को अरेस्ट करा गया था, उस समय भी उस ऑफिसर का नाम लिया गया था, उस समय भी उस ऑफिसर का नाम लिया गया था। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा इशू, लेकिन इसके पानी की बोतल दीजिए ना प्लीज। हाँ जी, तो इतना यहीं पे है, यहीं पे है। इतना बड़ा आरोप लेकिन इसके बावजूद दलविंदर सिंह को बेल मिल जाती है। एंड क्या रीज़न है आप सोचिए, व्हाट इज द रीज़न फॉर हिम गेटिंग बेल। द रीज़न फॉर हिम गेटिंग बेल इज कि 90 डेज के अंदर में चार्जशीट फाइल करना भूल गई है दिल्ली पुलिस। अब ये कोई साइकिल चोरी का या पिकेटिंग का ऑफेंस नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी ओवर हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एस्कॉर्टिंग टू टेररिस्ट outside of Jammu Kashmir and trying to bring them into Delhi, Haryana so that they can lead an explosive attack. और ऐसे व्यक्ति की चार्जशीट आप फाइल करना भूल जाते हैं, राइट? ये तो भला हो, अभी ये क्या है, ये हमारे कोर्ट्स का एक नियम है कि अब उसे ग्रांट हो गई बेल ऑटोमेटिकली, सुओ मोटो से बेल मिल गई क्योंकि उसे सिर्फ फाइल करना था, बेल के लिए अप्लाई करना था और उसको बेल ग्रांट हो गया। बिकॉज 90 डेज तक उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं करी गई, तो ये डिपार्टमेंट की गलती है, तो आप जो बंदा है उसको रोक नहीं सकते। ये तो लकीली व्हाट हैपेंड इज NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्होंने इसके ऊपर में कोई और केस भी दायर कर रखा है और उसकी लकीली जो अवधि है चार्जशीट फाइल करने की वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी,
इस वजह से समय मिल गया, इस वजह से समय मिल गया, और अब वो जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो टाइम खत्म होता है। तो आप सोचिए, अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करी जाती, तो दिस पर्सन विल ऑल्सो वॉक फ्री, दिस पर्सन विल ऑल्सो वॉक फ्री। अब इसमें न जाने कितना करप्शन है, कितना केयरलेसनेस है, कितना बॉच्डअप इन्वेस्टिगेशन है, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, भगवान मालिक है उसका, कि लोग 20 साल तक, 25 साल तक, इनफैक्ट जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था नेचुरल कारणों से उसकी डेथ हो जाती है, तब तक उसका जुर्म साबित ही नहीं होता है। तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हियर इज अ बिग डिफिकल्टी इन इंडिया। इस वजह से कोई उन्हें उतना सीरियसली भी नहीं लेता है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, तो वहां पे लोग कोर्ट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, और कोर्ट्स का जो फैसला होता है वो भी थोड़ा जल्दी आता है और काफी ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से लोग कोर्ट से डरते हैं। यहाँ पे तो इनफैक्ट जो मुजरिम है वो कोर्ट से नहीं डरता, जो सही आदमी है, जो सही व्यक्ति है, वो कोर्ट से और पुलिस से ज्यादा डरता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। तो अभी भी इसमें देखा जाए तो हमारा स्कोर काफी खराब है, 163 है। फिर आ जाता है ओवरऑल रैंक, जो 100 से 77 हुआ है, 23 का इम्प्रूवमेंट, जो अपन ने शुरू में ही देख लिया था कि 1 साल में 23 का इम्प्रूवमेंट है, 2 साल में ऑब्जर्व करें तो 53 रैंक्स का इम्प्रूवमेंट है, और 4 साल में देखें तो 65 रैंक्स का इम्प्रूवमेंट है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंस्ट्रक्शन परमिट वाली जो बात है, कंस्ट्रक्शन परमिट वाली जो बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा ऐसा पिलर था, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसमें हमने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल करा, तो उसका सिंपल आंसर हो जाएगा जी कंस्ट्रक्शन परमिट्स का, क्योंकि यहां पे हम 181 से सीधा 52 पे आ गए हैं। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है, वहां पे हम 146 से 80 पे आए हैं। चलिए जी आगे चलते हैं।